कोरोना महामारी में अलग अलग प्रदेशों में फंसे मजदूरों की रोजाना दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं, जो मानवता को विचलित करती हैं। लॉकडाउन में फंसे मजदूर पैदल ही अपने घर को लौट रहे हैं। महाराष्ट्र के नासिक से गर्भवती महिला ने भी ये जोखिम उठाया, ये सोचकर कोई भी सिहर उठेगा कि करीब 70 किलोमीटर पैदल चलने के बाद महिला ने बच्चे को जन्म दिया। हालांकि उसके साथ परिजन थे, लेकिन उसके बाद फिर 150 किलोमीटर पैदल चलकर वो अपने गाँव सतना के खोखरा वेल्हाई गांव पहुंची। परिजनों के मुताबिक इस दौरान रास्ते में स्थानीय लोगों से तो मदद मिली, लेकिन महाराष्ट्र सीमा में सरकारी मदद नहीं मिली। मध्य प्रदेश में आने के बाद मुश्किलें थोड़ी कम हुई। प्रशासनिक अमले ने जरूरत के मुताबिक हर संभव मदद की। ये खबर सामने आने के बाद महिला के हौसले की हर तरफ चर्चा हो रही है। में एक माँ को लाया गया है, जिसने की जैसा की आप लोग सुन रहे हैं एक दो दिन से की रास्ते में ही बच्चे को जन्म दिया था, जिसे कि सरकारी वाहन के द्वारा 108 जन्य के द्वारा यहाँ से लाया गया था और उसका प्राथमिक उपचार हम लोगों ने चालू किया है। बच्चा और माँ दोनों की ही स्वास्थ्य बहुत अच्छा है और दोनों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।